सपा लोया वाहिनी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राहुल गुर्जर का सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राहुल गुर्जर ने 2022 के चुनावों से पहले संगठन और पार्टी को मजबूत कर अखिलेश सरकार बनाने की बात कही। 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है हमारी। भाजपा बहुत बुरी तरीके से हताश है। युवाओं में बेरोजगारी की बहुत बड़ी लहर है, जिसे आप देख रहे हैं। काफी तादाद में मेरे साथ युवा साथ आए हैं। ये सभी लोग भाजपा से त्रस्त होकर आज समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। कारगाड़ी का कब तक बना देंगे चुनावी नदी? अभी जल्दी हम 10 से 15 दिन में कारगाड़ी बनाने की कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। क्या रूपरेखा रहेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्या युवाओं को क्या मेरी रूपरेखा यही रहेगी कि मैं अपने गुर्जर समाज को, मैं अपने समाज से इकलौता यहाँ पर अधिकारी हूँ जहाँ तक मुझे पता है बड़े जिले में, और मैं अपने समाज को समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ने की कोशिश करूँगा। और रूपरेखा मैं सारे युवाओं को यही अपील करूँगा कि माननीय अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने की। व्यापारी गरीब तत्व के लोग, नौकरी वाले, हर वर्ग परेशान है। इस वजह से समाजवादी पार्टी में बहुत ही जिम्मेदारी से पद दिए जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ राहुल गुर्जर जी से कि अपनी समाज के एक एक वोट को जोड़ने का समाजवादी पार्टी में काम करें, और हर कास्ट का अपनी कार्यकारिणी में पदाधिकारी होना चाहिए। ये नहीं हो कि एक ही समाज के हों, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष बन गए तो हर समाज को संतुष्ट करने का काम करें, नौजवानों को जोड़ के समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनाने का काम करें।